अमानत की शूटिंग कर रहा हूं मैं महाराजगंज ज़िले में जो गोरखपुर के पास है, और इसके प्रोड्यूसर हैं बीबी जायसवाल जी और डायरेक्टर हैं संजय श्रीवास्तव जी। इसमें हीरो जयेश यादव हैं, काजल राघवानी हीरोइन हैं, ऋचा दीक्षित है और एक मेरा छोटा भाई आ रहा है न्यू अपकमिंग स्टार जिनका नाम है मुकेश जायसवाल, जो कि टिकटॉक फेमस स्टार है, टकाटक स्टार है, मतलब बहुत अच्छा नेचर का भाई है और बहुत ही अच्छी फिल्म बन रही, पारिवारिक फिल्म है। इसमें मैं हूँ, रितु पांडे हैं और सोनिया मिश्रा हैं, संजय भैया संजय पांडे जी हैं। बहुत मल्टी स्टारर फिल्म बन रही है। मैं इसमें एक जंगी लाल का करेक्टर निभा रहा हूँ जो कि बॉम्बे से आता है, अतरंगी टाइप का है और जय भाई के घर में नौकर, वही जंगी लाल जो है अतरंगी टाइप का, उसके साथ एक जो है सतरंगी आई है, उसी के साथ पूरा नाटक चल रहा है, वो रितु पांडे हैं। हाँ, हम तो कलरफुल वाले ही इंसान हैं। होली का सीजन तो आ गया है, हम तो चाहेंगे कि हमारे जितने भाई लोग होली खेलें वो कीचड़ से और कलर पेंट से ना खेलें, अबीर से खेलें, गुलाल से खेलें और प्यार का होली खेलें। और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई होली की। आपकी और कौन कौन फिल्में आने वाली हैं? आने वाली तो इस साल अभी जो शूट हुआ है वही आएंगी, आई मिलन की राज दिनेश लाल यादव के साथ, पवन जी के साथ मेरा भारत महान, राकेश मिश्रा के साथ आवारापन, और प्रिंस सिंह राजपूत के साथ आ रही है शादी के चक्कर में हम यार हैं तुम्हारे गोरखपुर में हुआ था, और जनता दरबार परवाज और जो जहां पर हूं ये भी इसी साल आ जाएगी। संजय भैया वाकई में बहुत ही प्यारे मतलब इंसान हैं और डायरेक्टर तो नो डाउट माशाल्लाह हैं। उनके साथ मैंने एक फिल्म किया था फर्ज, रितेश पांडे और मनी भट्टाचार्य थी, तब से मतलब वो दिल को जीत लिए हैं। उनके जो डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू है बहुत ही प्यारा है, पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं, कब सीन ले लेते हैं, कब टेक कर लेते हैं, ये मतलब अच्छा लगता है उनके साथ काम करके। उनके डायरेक्शन में मज़ा आता है? मज़ा आता है, खूब मज़ा आता है। मैं दर्शकों से यही निवेदन करूंगा कि जैसे सभी फिल्मों में मुझे आशीर्वाद प्यार दिए हैं, इस फिल्म को भी प्यार आशीर्वाद दें, क्योंकि आपका आशीर्वाद हमारी पूरी टीम को ज़रूरत है।